बहुत बार पेशेंट्स बोलते हैं कि हाँ मैं तो लैक्टोज फ्री मिल्क ले रही हूँ मैं भी जा रहा है अगर बहुत ज्यादा एक्ने हैं क्लिनिक में कि बार बार फेस वॉश करो तो नहीं आएगा जिनको पिगमेंटेशन है उनके पस वाले दाने हो रहे हैं आप स्किन का नेचुरल बैरियर डिस्टर्ब कर रहे हैं एक्ने आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा एक समस्या बनती जा रही है जिसमें कॉस्मेटिक के इशू के साथ-साथ में साइकोलॉजिकल इशू है जो लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो आज के पॉडकास्ट में हम स्पेसिफिकली एक्ने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डॉक्टर निवेदिता दादू से पूछने वाले हैं सो हाय डॉक्टर मेरा पहला सवाल आपसे तो तो hmm. हाँ, ये, uh, तो okay. uh, ये है कि जब भी कोई इवेंट होती है या कोई स्पेशल डेट होती है तो उससे पहले एक्ने आ जाता है तो इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स हाँ या ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है तो इसमें ये है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होगी डेट कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा mm -hmm. तो उसके पहले स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं एंजाइटी बढ़ती है और कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है पोर्स क्लॉग होते हैं और इसलिए पिंपल बनने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले तो ये एक नोन फैक्ट है और इसके लिए फिर यही है कि पिम्पल की क्रीम्स यूज कर सकते हैं बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट इवेंट से पहले पिम्पल निकल सकता है डॉक्टर सो डाइट कोई स्पेसिफिक रोल प्ले कर सकती है हम डाइट कुछ अच्छा कर सकते हैं ऐसा कुछ डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पिंपल्स में तो इस उसमें शुगर और जंक फूड के बारे में सबको पता है बर्गर पिज़्ज़ा पास्ता खाने से चॉकलेट से मैंगो से इन चीज़ों से पिंपल निकलेंगे लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को नहीं पता है तो डेयरी प्रोडक्ट्स में ऐसा है कि काओ मिल्क और बफलो मिल्क से बनी चीज़ें पनीर घी चीज़ वे प्रोटीन ये सब कंज्यूम करने से पिंपल्स बहुत निकलते हैं और इसकी जगह जितना हो सके तो आप प्लांट मिल्क सोया मिल्क आमंड मिल्क ले सकते हैं और ये आ, प्रूवन है साइंटिफिकली इसलिए क्योंकि काओ मिल्क और बफलो मिल्क में बहुत हारमोन्स होते हैं और इसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होता है और इन हॉर्मोन्स की वजह से जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो पिम्पल बढ़ने के चांसेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इन्हीं हारमोन्स की वजह से ये भी हो जाता है जो काओ मिल्क और बफ्लो मिल्क में हार्मोन्स हैं उस उसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और फिर जब ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा स्किन में पोर्स क्लॉग होंगे तो फिर उससे भी पिंपल निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो डॉक्टर लैक्टोज फ्री मिल्क अवेलेबल है तो कैन बी कंज्यूम दैट हाँ ये भी मैं क्लियर करना चाह रही थी बहुत बार पेशेंट्स बोलते हैं कि हाँ मैं तो लैक्टोज फ्री मिल्क ले रही हूँ मैं ए टू मिल्क ले रही हूँ तो वो भी मैं क्लियर करना चाह रही थी कि जब हम कह रहे हैं कि काउ मिल्क और बफलो मिल्क में हॉर्मोन्स हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लैक्टोज फ्री मिल्क भी काउ मिल्क से डिराइव्ड है okay. और प्रॉब्लम काउ मिल्क में जो हार्मोन है उसकी वजह से है तो वो हार्मोन से पिंपल्स निकल रहे हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर से पिंपल निकल रहे हैं जब आप लैक्टोज फ्री मिल्क यूज कर रहे हैं तो लैक्टोज फ्री मिल्क या ए टू मिल्क इन सब में ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको डाइजेशन इश्यूज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा है जिनमें जिनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है या उनके लिए जो लैक्टोज इन हैं लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लैक्टोज फ्री मिल्क यूज़ किया तो उससे पिम्पल अप कम निकलेंगे क्योंकि हॉर्मोन लैक्टोज फ्री मिल्क में भी है ए टू मिल्क भी काउ मिल्क से डिराइव है तो अल्टीमेटली वो हॉर्मोन तो इस मिल्क में भी है तो जो हॉर्मोन की वजह से पिम्पल निकल रहे हैं वो ज़रूर निकलेंगे गौतित डॉक्टर डॉक्टर टीन एज में हमने बहुत सुना था कि एक्ने हैं मतलब देखा ही जाता है कि टीन एज में एक्ने आते हैं लेकिन आजकल के टाइम में हार्मोनल एक्ने बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं मतलब मिड एज में ट्वेंटीज़ के बाद थर्टीज़ के बाद फोर्टीज़ में भी लोगों को एक्ने देखा जा रहा yeah. है तो उसका क्या रीज़न है हाँ तो अब एडल्ट एक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है एडल्ट फीमेल जॉ लाइन एक्ट ये ये है कि जो ट्वेंटी फाइव थर्टी की एज के बाद निकल रहा है ज़्यादा जॉ लाइन में होगा और ये हार्मोनल एक्ने अधिकतर पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा और आ, मोटे नॉड्यूल जैसे पिंपल जो किसी पिंपल की क्रीम से नहीं जाएंगे ये सारा हार्मोनल एक्ने जो लोअर हाफ ऑफ द फेस पे होगा और जितना भी आ, टीनेज एक्ने है वो चीक्स पे निकलता है टीनेज में निकलेगा पिंपल की क्रीम से आसानी से चला जाएगा ऑयली स्किन में होगा और जॉ लाइन आंकने पेनफुल होगा नॉडुलर होगा आसानी से जाएगा भी नहीं और उसके लिए आपको डाइट लाइफस्टाइल जैसे हमने बात की वो तो करेक्ट करना ही है और साथ में उसके लिए आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ ओरल मेडिकेशंस कंज्यूम करनी पड़े जिससे कि वो इन्फ्लेमेशन सब्साइड करे और फिर आपके पिम्पल सेटल लो डॉक्टर हार्मोनल एक्ने की बात कर रहे हैं तो मुझे पूछना हुआ कि काफ़ी सारे लोग आजकल के टाइम में आईपिल्स जो है बहुत नॉर्मली कंज्यूम करते हैं hmm. तो इज इट सेफ और या फिर एक्ने को वो यस yes. तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आईपिल वगैरह भी एक्ने ट्रिगर कर सकता है इसमें बहुत हाई डोजेज में लिवन और जेस्ट्रॉल या हॉर्मोन्स बहुत हाई डोजेज में होते हैं तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन uh, लेने के बाद भी पिम्पल होना बहुत कॉमन है जी सो so इसके लिए नॉर्मली मार्केट में आइसोटोटाइन अवेलेबल हैं तो क्या हम ले सकते हैं इज़ इट हेल्पफुल हाँ आइसोटेटेनॉइन को लेकर भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है जिन लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आइसोटेटेनॉइन खा रहे हैं जो थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ रहे हैं आइसोटेटेनोइन के बारे में वो बिल्कुल लेना नहीं चाह रहे आइसोटेटिनोन तो वो मिसकनसेप्शन क्लियर करना ज़रूरी है आइसोटेटनोइन बहुत अच्छी मेडिसिन है पिपल्स के लिए बट आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेनी है आइसोटेटेनोइन बहुत अच्छी है इन्फ्लमेटरी एक्ने के लिए जो सिस्टिक एक्ने हैं एडल्ट एक्ने के लिए अच्छी है जिनके पिम्पल पिम्पल के जेल्स और क्रीम्स लगाने से ठीक नहीं हो रहे उनके लिए बहुत अच्छी है लेकिन जो बातें आपको पता होनी चाहिए कि एक तो जो अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो उन को mm कंसीव -hmm. uh, नहीं करना वाइल्ड एयर ऑन आइसोट्रेटिनोइन छोड़ने के एक महीने बाद तक भी आपको कंसीव नहीं करना है क्योंकि वो उतने टाइम ब्लड में रहती है ब्लड डोनेट भी नहीं करना है उसके अलावा आपके डॉक्टर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट आपका कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल वगैरह के ब्लड टेस्ट करवाएंगे बिफोर स्टार्टिंग आइसोटेटेनोइन वो भी बेसलाइन टेस्ट भी सही हो ये बहुत ज़रूरी है जी. उसके अलावा जिनको डिप्रेशन की हिस्ट्री है पास्ट में उनको भी आइसोटेटेनॉइन प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता सो so, बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं डॉक्टर की सुपरविजन में लेनी है बट डेफिनेटली अगर सही तरीके से ली जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और इससे हमें घबराना नहीं है आइसोटेटेनॉइन से गौतिक डॉक्टर डॉक्टर ड्राई स्किन वाले लोगों को भी एक्ने आते हैं तो स्पेसिफिक कुछ ऐसा हाँ ड्राई स्किन में भी एक्ने हो सकता है क्योंकि पहले ये भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन था कि स्किन ऑयली ही होगी अगर पिंपल हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी एक्ने हो सकता है और यूजुअली हार्मोनल एक्ने जो है वो ड्राई स्किन पे होता है टीन एज एक्ने यूजली ऑयली स्किन पे होता है और फिर अगर ड्राई स्किन में एक्ने हैं तो आपके प्रोडक्ट्स ड्राई स्किन के हिसाब से होंगे काफ़ी बार मैंने देखा है कि लोग ऑयली स्किन के प्रोडक्ट्स मतलब सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज कर रहे हैं जो कि और स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है उससे वो स्किन और ज्यादा ड्राई हो रही है तो वो ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई तो नहीं है तो उसके हिसाब से फिर आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने होंगे। सो डॉक्टर आइसिंग करना स्टीम करना ये कुछ हेल्प करेगा अगर ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है नहीं एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर्स बिल्कुल सही नहीं है पिंपल्स mm -hmm. के लिए या स्किन के लिए भी अदरवाइज ये चीज़ें बहुत फैंसी लग रही हैं बहुत पॉपुलर होती जा रही mm -hmm. हैं लोग बहुत ज़्यादा आइसिंग कर रहे हैं हाँ बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं लेकिन ये बिल्कुल सही भी नहीं है एक्सट्रीम टेम्परेचर्स uh, के Uh, अगर स्किन सेंसिटिव है तो अब तो वैसे ही uh, आपको आइसिंग करने से प्रॉब्लम uh, बढ़ सकती है सेंसिटिविटी बढ़ सकती है अगर आपको रोजेशिया है तो वो ट्रिगर हो सकता है लेकिन उसके अलावा भी एक्सट्रीम टेम्परेचर से ये होगा कि प्रॉब्लम uh, और ज़्यादा स्किन में बढ़ेगी तो आइसिंग बिल्कुल भी सही नहीं है सिमिलरली स्टीम भी सही नहीं है अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं और आप निकलवा रहे हैं निकालना चाहते हैं तो ठीक है कि आप स्टीम uh, करके पोर्स को अनक्लॉक कर सकते हैं आपको ब्लैक हेड्स निकालने में आसानी होगी लेकिन फिर उसके बाद याद रखें कि पोर्स को क्लोज भी करना है आइसिंग करके और मैं सजेस्ट करूँगी कि ये बिल्कुल ज्यादा गर्म स्टीम और बहुत ज्यादा आइसिंग ये करना डायरेक्ट इतना ज्यादा स्किन पे आइस लगाना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा जी जी डॉक्टर और जो पैचेज़ अवेलेबल है मार्केट में जो स्किन के लिए पैचेज आते हैं आंखने वाले वो हम हाँ कर सकते हैं पिंपल पैचेज़ भी बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं तो अगर आपको एक पिंपल है दो पिंपल हैं तो आप पिंपल पैचेज लगा सकते हैं उसके बेनिफिट्स भी हैं वो पिंपल जल्दी डिज़ोल्व भी हो जाएगा क्योंकि अधिकतर पिम्पल पैचेज़ में सैलिसनिक एसिड या हाइड्रोक्लोइड होता है जिसकी वजह से वो पिम्पल डिज़ोल्व हो जाता है तो और साथ में वो कंसील भी कर देगा आपके पिम्पल को आप उसके ऊपर मेकअप भी आसानी से लगा पाएंगे लेकिन अगर पिम्पल बहुत ज़्यादा हैं तो आप सब जगह पिंपल पैचेस नहीं लगा सकते ऐसे में फिर आपको ओरल मेडिकेशंस लेनी है या ऐसी क्रीम्स यूज करनी है जो आप फुल फेस पे लगा सकें मतलब फिर आप पिंपल पैचेस पे रिलाई नहीं कर सकते जी डॉक्टर एक सिली सा क्वेश्चन है बट पूछना चाह रही हूँ कि काफी सारे लोग कहते हैं कि एक ही साइड पर एक्ने आता है तो इज इट लाइक रिलेटेड टू समथिंग हां काफी बार पेशेंट्स बोलते हैं कि एक ही साइड पे पिंपल निकल रहे हैं तो वो हो भी सकता है इसलिए क्योंकि अगर आप एक ही साइड पे सो रहे हैं तो उस साइड पे आ, पिंपल निकलने के ज़्यादा चांसेस हैं या काफ़ी बार आप एक ही साइड पे मोबाइल फ़ोन रखते हैं तो क्योंकि मोबाइल स्क्रीनस भी लोग काफ़ी बार उतने अच्छे से साफ़ नहीं करते उतने क्लीन नहीं होते स्क्रीन्स में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता जी, है जी। और अगर स्क्रीन आपका मोबाइल स्क्रीन क्लीन नहीं है तो फिर वही इन्फेक्शन आपके चीक्स पर ट्रांसफ़र होगा तो एक ही साइड पर अगर जिन लोगों को मोबाइल फ़ोन पकड़ने की आदत होती है उनको भी उस साइड पर एक्ने ज़्यादा そうだんで डॉक्टर मार्केट में बहुत सारे एक्टिव्स अवेलेबल हैं रेटिनॉल नाइसिनमाइड एसिड सो so, uh, क्या यूज करना चाहिए और क्या नहीं हाँ, और क्या पैटर्न रहेगा इसको यूज़ हाँ तो ये भी लोग बहुत ज़्यादा आजकल इन फैंसी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड कर रहे हैं और uh, आके बोलते हैं क्लिनिक में कि हम नाइसिनमाइड लगा रहे हैं हम सैलिसिलिक एसिड लगा, जी लगा जी रहे जी हैं ईजिली अवेलेबल भी हैं और इतना सब कुछ इतनी अवेयरनेस हो गई है कि सब कुछ लगा रहे हैं लेकिन पिम्पल फिर भी नहीं जा रहा तो वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा एक्ने है तो आप नाइसिनमाइड सैलिसिलिक एसिड पर रिलाई नहीं कर सकते आप ये एक अच्छा स्किन के रूटीन हो सकता है कि आप दिन में नाइसिनमाइड लगाएं ऑल्टरनेट डे नाइसिनमाइड सैलिसिलिक एसिड लगाएं या अट्ठवाईस वीक सैलिसिलिक एसिड लगाएं रात में रेटिनॉल लगाएं ये एक अच्छा स्किन के रूटीन हो सकता है जिनकी स्किन ठीक है लेकिन अगर आपकी स्किन ठीक नहीं है अभी आपको करेक्शन की ज़रूरत है तो आप नाइसिनमाइड और सैलिसिलिक एसिड और रेटेनॉल पर रिलाई नहीं कर सकते करेक्शन के लिए आपको स्ट्रॉगर मॉलिक्यूल्स की जरूरत है दे इज बेंजॉइल परोक्साइड दडापलिन ट्रेटिनॉइन इतना कुछ है अवेलेबल आपको और स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स लगाने की जरूरत है आप डॉक्टर से कंसल्ट करें हो सकता है आपको ओरल एंटीबायोटिक्स की जरूरत है बहुत ज्यादा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है हो सकता है आपको डैंड्रफ है तो डैंड्रफ जब तक ठीक नहीं होगी तब तक फोरेट एक्ने क्लीन नहीं होगा तो हो सकता है आपको हॉर्मोनल एक्ने हैं तो मतलब काफ़ी बार मैंने देखा है कि इतने इतने लंबे टाइम तक सैले एसिड और एटेनॉल लगाते जा रहे हैं स्किन ठीक नहीं हो रही फिर भी वो छोड़ नहीं रहे तो वो आपको समझना पड़ेगा कि उस पर आप बहुत ज़्यादा उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते सो so, डॉक्टर जैसे बेंजोइल परसाइड हो गया या डेटेनॉल्स हो गए तो आपके लिए आपका कोई फेवरेट एक्टिव हाँ तो uh, मेरा फेवरेट मॉलिक्यूल एक्टिव एक्टने के लिए पिंपल्स के okay. लिए मेरा रहेगा एजिलिक एसिड तो एजिलिक एसिड okay. में एंटीबैक्टीरियल एक्शन भी है इन्फ्लेमेशन कम करेगा पिंपल के रेड मार्क्स कम करेगा ब्राउन मार्क्स कम करेगा पर्जिंग के चांसेस कम हैं तो रिजल्ट्स ओवरऑल एजिलिक एसिड के बहुत अच्छे हैं ओके okay, डॉक्टर फेस वॉश का कोई स्पेसिफिक रोल जैसे हम फेस वॉश करते हैं लोग बोलते हैं कि बार बार फेस हाँ, वॉश करो तो एक्ने नहीं आएगा सो so, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कितनी बार फेस हाँ, वॉश करना फेस वॉश ज़्यादा नहीं करना चाहिए ट्वाइस डे शुड बी मोर देन इनफ सही फेस वॉश यूज़ करना ज़रूरी है अगर स्किन ऑयली है तो सेलेसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशिज आप यूज़ कर सकते हैं जिनको पिगमेंटेशन है उनके लिए अब आजकल मैंडलिक एसिड के फेस वॉशिज़ भी अवेलेबल हैं और बेजॉय परोक्साइड के फेस वॉशिज अवेलेबल हैं अगर जिनको पस वाले दाने हो रहे हैं तो वो सब आप कर सकते हैं लेकिन लाइक आई सेड अगर स्किन ड्राई है तो आपको ड्राई uh, स्किन के फेस वॉशेज यूज करने हैं फिर ये फेस वॉशेज आपके लिए नहीं है ये आपकी स्किन को और ज्यादा ड्राई करेंगे okay. और दूसरी चीज ये कि ज्यादा बार फेस वॉश करने से okay. आप स्किन का नेचुरल बैरियर डिस्टर्प्ट कर रहे हैं स्किन और ज्यादा डैमेज हो रही है डिहाइड्रेट हो रही है और स्किन का जब बैरियर डिस्टर्ब होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ेंगे okay. तो जो ये लोग सोच रहे हैं कि ज्यादा बार वॉश करेंगे तो फेस ज्यादा क्लीन रहेगा हुँ, और ज्यादा बार वॉश करेंगे तो फेस की ऑयलीनेस हम हटा पाएंगे ज्यादा ऑयल अगर आप अपने फेस से हटाएंगे तो आपकी स्किन भी और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगी ये नेचुरल स्किन की साइकिल है कि स्किन को लगेगा कि हमें ऑयल प्रोड्यूस करने की जरूरत है क्योंकि स्किन ड्राई हो रही है तो ऑयल प्रोडक्शन स्किन की और ज्यादा बढ़ जाएगी सीबम प्रोडक्शन तो हमें सिर्फ दिन में दो बार ही फेस वॉश करना है वो भी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फेस वॉश चूज करना है डॉक्टर एक्ने के बाद जब एक्ने हो जाते हैं तो काफ़ी स्कारिंग बनने लग जाती है तो कोई ऐसा कोई प्रोसीजर है या कोई ऐसी क्रीम्स अवेलेबल हैं जिससे हम इनिशियल स्टेज पर स्कारिंग को रोक पाएँ हाँ सो अगर स्किन बहुत ज़्यादा रेड है तो जितनी ज़्यादा रेडनेस रहेगी उतना ज़्यादा स्कार्स बनने के चांसेस हैं तो ऐसे में आप उसी स्टेज पर जब आपके पिंपल्स एक्टिव हैं स्किन में रेडनेस है तब अगर आप स्कार की क्रीम्स यूज कर लें तो आपको फ़ायदा रहेगा ऐसे में एलेंट बेस्ड सिलिकॉन बेस्ड बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं बहुत अच्छा एक मॉलिक्यूल है सेंट्रलाइशियाटिका वो आप क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं तो उससे आप इन्फ्लेमेशन कम करेंगे स्कारिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि एक बार स्किन आ, स्कारिंग हो गई तो स्कारिंग फिर परमानेंट है फिर आपको लेजर्स ही यूज़ करने पड़ेंगे हुँ. और हाँ अगर आपका जब रेडनेस सब्साइड कर जाए फिर हल्के बहुत स्कार्स हैं तो हुँ. ऐसे में आप ट्रेटेनॉइन भी यूज़ कर सकते हैं वो भी एक बहुत अच्छा मोलिक्यूल है तो ट्रेटेनोइन बेस्ड क्रीम्स एक्सफोलिएशन करेंगी कॉलोजन प्रोडक्शन करेंगी तो हल्के बहुत ओपन पोर्स जहाँ हमें टेक्चरल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि स्किन के जो सुपरफिशियल स्कार्स हैं वो हील हो जाएं उसमें आप उस स्टेज पर जब रेडनेस नहीं है स्किन सेंसिटिव नहीं है तब आप ट्रेटेनॉइन भी स्कार्स के लिए यूज कर सकते हैं बट ट्रेटेनॉइन अगेन सेफ नहीं है इफ़ यू आर प्रेगनेंट लैक्टेटिंग और प्लानिंग टू कंसीव ओके डॉक्टर दैट अगर हमें इनिशियल स्टेज पर ही रोकना है तो वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एंड अकॉर्डिंगली वी कैन फर्स्ट हाँ सो देन so uh, उसी में आपको क्रीम्स प्रिस्क्राइब कर दीजिए थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दिस इन्फॉर्मेशन आई थिंक हमारे जितने भी सवाल थे वो हमने सारे कवर किए सो आपके अब अगर और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं हम कोशिश करेंगे अपने अगले सेगमेंट में उन सवालों को कवर करने के लिए और स्किन और हेयर के ऐसे और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और डी एम थैंक्स फॉर वॉचिंग